असल वेलकम बैक टू माई चैनल टूडेज लेक्चर इज मैंट फॉर एनी पी सेमेस्टर वन एंड टू स्टूडेंट्स आज हम एक इनक्रेडिबल इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं बट बिफोर वी जम्पिंग मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब रिंग दैट बेल एंड ड्रॉप ए लाइक So our today's story is the Fly by Catherine Mansfield. It is a tragic story by Catherine Mansfield Murray, a New Zealand writer and critic who is considered to be an important author of modernist movement. Now, what is this modernist movement? Ye modernist movement is In the late 19th and 20th century, the artists, writers, and thinkers they wanted to break free from old traditions. नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे राइटर्स थे जो थिंकर्स थे उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन से हट के कुछ नए आइडियाज कुछ नए स्टाइल्स कुछ नए वेज को रिफ्लेक्ट किया अपने आर्ट पीसेस में सो दिस लिटरेरी मॉडर्निज्म इट वॉज लाइक ए क्रिएटिव रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर It was all about being fresh, bold, and exploring new ways to reflect the fast changing uh, world around them. ठीक है नहीं उन्होंने एक नए तरीके से नई कुछ नए थीम्स को नए स्टाइल्स को नए आइडियाज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की सो so, ये एक मूवमेंट रहा जिस मूवमेंट का नाम लिटरेरी मॉडर्निज्म या मॉडर्निस्ट मूवमेंट कहा गया होप यू अंडरस्टैंड लिटरेरी मॉडर्निज्म नाउ लेट इस प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट पॉइंट द फ्लाई द फ्लाई की मीनिंग है मक्खी द फ्लाई जो स्टोरी है इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन ट्वेंटी टू जस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड द स्टोरी डेपिक्टज द हॉरर्स ऑफ वॉर द हॉरर इज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि नाइनटीन फोर्टीन और नाइनटीन एटीन तक रहा इट रिजल्ट डेथ्स ऑफ एट मिलियन पीपल एंड मोर दैन ट्वेंटी मिलियन पीपल वोंडिड तो इस वॉर में इतने लोग मर गए एंड यू नो इट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ हॉरर इन द माइंड ऑफ द पीपल इट्स हॉरर ब्रॉट टू लाइट इन लिटरेचर आर्ट एंड म्यूजिक कैथरीन मैंसफी ने अपने बाई को खोया था इस वर्ल्ड वॉर में सो इट वॉज यू नो ए डीप पेन विच शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस थ्रू हर वर्ड्स कैथरीन मैंसफील्ड की कहानियों को समझने के लिए आपको मच्योर होना जरूरी है आपको समझदार होना जरूरी है बिकॉज देर इज डीप साइकोलॉजी इन हर स्टोरी सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कहानी शुरू करते हैं द फ्लाई This short story has two distinct parts.

और खाली ट्यूसडे हफ्ते में एक दिन उसको उसकी बेटियां साथ आती है, उसकी बीवी साथ आती है तब जाके वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसको इजाज़त मिलती है तो ये भी ट्यूसडे है और मिस्टर वुडीफील्ड अपने दोस्त बॉस से मिलने के लिए आए हैं बॉस का नाम राइटर ने यहाँ पे मैंशन नहीं किया है तो हम भी उसको अब द बॉस के नाम से ही जानेंगे ठीक है मिस्टर वुडी फील्ड एंड एवर सिंस अ स्ट्रोक फोर्सड हिज रिटायरमेंट जब से मिस्टर वुडी फील्ड को दिल का दौरा आया था तब से उसने रिटायरमेंट को कबूल किया था ऑन द अदर हैंड द बॉस हु इज फाइव इयर्स ओल्ड देन मिस्टर वुडी फील्ड बट ही इज स्टिल हेल्थी एडमायरिंग हिज विगर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी नो no डाउट वो पांच साल मिस्टर वुडी से बड़े थे लेकिन तभी भी वो हेल्दी थे ही वो जवान रहने की कोशिश कर रहे थे तो मिस्टर वुडी फील जिसने अपने बेटे को खोया है तो इस वजह से उस जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर जो है मेन वो है इसका मेन थीम वाई द पीपल आफ्टर वर्ल्ड वॉर दियर यू नो साइकी वॉर सिक वाई देवर सफरिंग फ्रॉम टल ट्रामा एंड मिस्टर वील एंड में, में. ठीक है तो अब यह स्टोरी जब स्टार्ट होती है हमेंटर्स के बारे में पता चलती है और मिस्टर वुडी फील जब अपने बॉस के ऑफिस विजिट करने के लिए हफ्ते में खाली एक दिन आता है तो वो अब बहुत दिनों के बाद जब आया तो उसने वहां पे कुछ चेंजेस देखी मिस्टर वुडी फील ने वहां पे नया कापेट आ, कुछ आ, नय, नया फर्नीचर नया बुकेस तो ये सारी चीजें उसने नोट्स की बट ही डजेंट कमेंट ऑन द फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय इन यूनिफॉर्म इट्स यू नो नॉट न्यू वहाँ पे एक फोटोग्राफ थी जो कि बॉस के बेटे की थी जिसमें उसने यूनिफॉर्म आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी जो छः साल से उसी टेबल पे थी मिस्टर वुड यू फील स्टार्स टू टेल द बॉस देट देर वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच ही वॉन्टिड टू टेल हिम लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था उसको क्या आज कोई इम्पोर्टेंट चीज़ उसको एक इम्पॉर्टेंट बात उसको बॉस से कहनी थी लेकिन बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्राम फॉगेटिंग और उस कमज़ोरी की वजह से उन डिजीज़ की वजह से और अपने बेटे की शायद मौत की वजह से वो उसकी यादाश्त कमज़ोर हो गई थी उसने काफी कोशिश की कि वो क्या बोलने की कोशिश कर वो उसको क्या बोलना है आज लेकिन उसको याद नहीं आया ठीक है ही ट्राइज एंड फेल्स टू रिमेंबर हिज हैंड्स बिगिन टू ट्रैम्बल एंड हिज चीक्स ग्रो रेड द बॉस फील्स वेरी सॉरी फॉर हिम एंड ही यू नो ट्राइज टू चेयर हिम अप

So, Mr. Woodyfield drinks and is silent for a moment. Then, as whiskey warms him, he remembers what he wanted to say. Achanak se usko yaad aata hai ki usko boss ko kya bolna tha. And he tells the boss how his uh, girls were in Belgium last week to visit their brother, Reggie's grave. एंड डिस्कवर्ड नियर बाय द ग्रेव ऑफ द बॉसेज सन तो वो मिस्टर वुडीफील बॉस को कहता है कि उसकी बेटियाँ बेल्जियम गई थी अपने भाई की कबर देखने के लिए तो वहाँ पर उन्होंने आपके बेटे की भी कबर देखी है द बॉस आई लिट्स यू नो कुर ही डजेंट रिप्लाई Mr. Woodyfield goes on to tell him that the graves are very uh, you know well looked after as if they were at home. He asks if the boss has been uh, over to visit the grave for various reasons. he has not. Mr. Woodyfield continues describing the flowers lining the graves and the nice, broad paths. Uh, he pauses and then brightens, saying in outrage, how much the hotel charged the girls for a pot of jam. कि उसको काफी दुख होता है कि वो तो अपने भाई की कब्र को देखने के लिए आए थे तो वहां पे उस उनको इतना पे करना पड़ा एक पॉट जैम के लिए जस्ट बिकॉज दे वेर ओवर दियर टू विजिट द ग्रेव मिस्टर वुड फील नोस डजेंट मीन दे शुड बी चार्ज दैट मच लेकिन बॉस जो कि खामोश था जो कि कोई बात नहीं कर रहा था वेन द ओल्ड मैन लीव्स The boss informs the office messenger that he doesn't want to be disturbed for the next half hour. his attendant ko ye Darwaza Finally, alone in his office, preparing to weep. He rests his face in his hands. It had been, you know, a shock to him when the old man brought up his son's grave. But for सम रीज़न्स ही डज नॉट क्राई शायद उसने ये डिसाइड किया था कि लोगों के सामने वो नहीं रोएगा कोई ना कोई बात इसके पीछे थी ठीक है जवान बेटे को खोने का दुख तो एक बूढ़ा बाप ही महसूस कर सकता है जिसने उसको पैदा होने से लेकर बड़े होने तक जवान होने तक उसके जवान होने का इंतजार किया है उसके उसको अपने साथ रखा है तो अचानक एक दिन वो उससे दूर चला जाए और कभी वापस ना आए तो ये दुख तो वो एक बाप ही समझ सकता है और उसका बेटा इकलौता बेटा था his son was वॉज इज ओनली and एंड द बॉस been बीन प्रिपेयरिंग हिम टू टेक ओवर द फैमिली बिजनेस वट वॉज इट ऑल फॉर इफ नॉट फॉर son? जब उसका बेटा ही नहीं रहा तो अब इस बिजनेस का इस सेटअप का क्या फायदा था it has been 6 years since he received the telegram with the news but it couldn't you know, it could have been just yesterday but now the boss can feel properly sad like he wanted to he gets up you know अपने हमेशा अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा था वो कहता था, था कि नहीं मुझे जैसे इंसान की ज़िंदगी में दुख तकलीफें तो आती है लेकिन इंसान वो नहीं जो अपने दुखों से हार कर अपनी ज़िंदगी या मौत को एक्सेप्ट करे तो ही वॉज़ नॉट वन लाइक दैट तो अभी वो अपने इस बेटे की दुख बेटे के दुख को दूर करने की कोशिश में ही लगा था कि अचानक से उसकी नज़र एक इंक पॉट पे पड़ी जो वहाँ पे टेबल पे पड़ी थी एंड ही नोटिस दैट ए फ्लाई हैज़ फॉलन इन इट ठीक है एक मक्खी इस इंक पॉट में गिर गई थी एंड यू नो इट इज फीबली एंड वेरी डेस्परेटली स्ट्रगलिंग टू क्लाइंब आउट वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही थी ये मक्खी जो इस इंक पॉट में गिरी थी बट द एजेज ऑफ द इंक पॉट आर टू स्लिपरी की वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रही थी The boss uses the tip of the pen to lift the insect from the well and onto the blotter. The boss watches the fly as it begins to slowly clean itself, riding itself of the ink that clings to its wings so that it might fly again. ठीक है द बॉस सीज इन द फ्लाईज एटीट्यूड ए सेंस ऑफ जॉय दैट लाइफ इज अबाउट टू बिगिन अगेन जब बॉस ने इस पर इंक डाली तो उसके बावजूद भी उसने इस इंक को हटा के फिर से जॉयफुली एंथ्यूजिकली अपनी जिंदगी अपनी उड़ान पूरी करने में लगी तो द बॉस हैज़ एन आइडिया उसने क्या किया उसने फिर से इस इंक वेल से एक इंक का ड्रॉप निकाला ही सेंस दैट ड्रॉप ऑफ इंक डाउन

अब बॉस ने क्या किया ही सेंड्स अनादर ड्रॉप डाउन उसने एक और इंक का ड्रॉप इस पे डाला अ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड देन द इंसेक्ट बिगिंस टू क्लीन इट्सल्फ अगेन कुछ टाइम तक तो बिल्कुल वो हिली नहीं रही थी लेकिन फिर से उसने धीरे धीरे से अपने आप को साफ करने की कोशिश की द बॉस इज रिलीव क्योंकि उसको लगा था कि शायद ये मक्खी मर गई बट द फ्लाई इज मोशन दिस टाइम ठीक है हर कोशिश के बाद यह मक्खी जो थी ये वीक होती जा रही थी ठीक है तो अब लेकिन यह हिम्मत नहीं हार यही इंक ड्रॉप इस पे डाला बट वेन द इंक ड्रॉप लेट कम्स डाउन द फ्लाई लाइज स्टिल द बोस ट्राई टू स्टिल्लाई विदिप ऑफ द पेन उसको खिलाने की कोशिश कर रहा था उस पेन टिप से ऑर्डरिंग यू लुक शॉ बट इट इज डेड मक्खी तो मर गई थी ही यूज द ब्लेड ऑफ ए पेपर नाइफ टू फ्लिंग इट्स कॉप्स इन टू द नियर बाई वेस्ट बास्केट उसने इस ये जो ब्लॉटिंग uh, पेपर था उस जिसपे ये मक्खी थी मर गई थी उसने इसको डस्टबिन में फेंका देन प्रेसिंग द बटन फॉर द मैसेंजर अपने मैसेंजर को बुला के ही स्टर्नली आस्क फॉर फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर एज द ओल्ड मैसेजर गोज ऑफ इन सर्च ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर द बॉस स्टिल सिट्स ट्राइंग टू रिमेंबर ठीक है बट इट वॉज ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट अर्लियर कोशिश कर रहा था लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था ठीक है लेने यहां पर जो बॉस है ही वॉज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द फ्लाई ठीक है हर बार वो अपने जो बेटे के मौत का दुख था वो उसे उस गम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई ना कोई उसको उसकी उस दुखती रग को छेड़ ही देता था एंड यू नो फाइनली ही एक्सेप्टेड दैट टाइम इज़ द बेस्ट हीलर ठीक है नीदर गुड नॉर बैड डे शेल रिमेन स्टेबल तो लास्ट पे इसका जो एंड है स्टोरी का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट पे जब अपने नौकर को अपने अटेंडेंट को वो ब्लॉटिंग पेपर के लिए बेचता है तो बॉस भूल ही जाता है कि इस एपिसोड से पहले वो क्या सोच रहा था उसको याद ही नहीं आ रहा था ठीक है ही वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर वट इट वॉज ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट अर्लियर बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कैन नॉट सीम टू रिकॉल क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे उस जमाने में वर्ल्ड वॉर में मेजॉरिटी के जो बच्चे थे जवान थे उनको जंग में लड़ने के लिए भेजा था जो वहां से वापस नहीं आए और इतने लोग मर गए कि जहाँ पे वो मरे वहां पे ही उनको दफना दिया गया अब कितनों को घर वो वापस भेजते तो इसका जो असर था वो जो बुजुर्ग लोग उनके मां बाप वहां पे बच गए थे वो उस मेंटल ट्रामा से गुजर रहे थे ठीक है कोशिश करने के बावजूद भी लेकिन तब भी जो ये जो पेन था ये जो दुख था ये जो आ, उनके जवान बेटों की मौत की तकलीफ थी इस तकलीफ से बाहर आने की कोशिश में भी वो इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि दिस दीज थिंग्स दिस पेन वाज जस्ट लेटिंग देम क्लोज टू तो द डेथ जो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़